Assalamualaikum, my beautiful YouTube family. I hope you are all doing great. Alhamdulillah, I am also good. So welcome back to my channel. Welcome back to another video. So in this video, I am going to share with you find your purpose and find your worth. ठीक है? आप लोगों ने इसमें अपनी जो है ना वो अपना purpose जो है ना आपका मकसद क्या है उसको find करना है, आपकी worth क्या है, आप लोग how you can contribute, how you can do, okay? So आप लोग किस तरह से contribute कर सकते हैं, इसमें आपका मकसद क्या है, ठीक है? So life में जो है ना अपने मकसद को, ज़िंदगी में कभी भी अपने मकसद को आपने भूलना नहीं है, ठीक है? आपको पता है हर इंसान का, हर चीज़ का एक मकसद होता है. अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की. सो अगर आप लोग अपना मकसद अच्छे से पूरा कर रहे हैं तो आप बेहतरीन इंसान हैं, ठीक है? सो आप लोगों ने कभी भी अपने पर्पस को जो है ना वो भूलना नहीं है, उसको अच्छे से करना है. अब आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ. मेरे पास ये दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है? ये देखें. अच्छा, सबसे फर्स्ट पे मेरे पास ये है हेडफोन, ठीक है? इसका पर्पस क्या है, हमें बेहतरीन और क्लियर ऑडियो जो है ना वो प्रोवाइड करना, ठीक है? सो अगर ये मुझे बेहतरीन क्वालिटी वाली जो है ना वो ऑडियो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जब मैं इसको लिसनिंग करूँगी तो ये एक बेहतरीन जो है ना वो होगा. लेकिन जैसे ही ये ख़राब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेमकसद हो जाएगा. मैं इसको अपने पास नहीं रखूँगी, मैं इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दूँगी, ठीक है? इसी तरह से मेरे पास यहाँ एक पेन है, ठीक है? ये पेन है, इंक वाला पेन है. सो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है राइटिंग करना, लिखना, ठीक है? तो जब तक इसकी इंक होगी मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है? सो जैसे ही इसकी इंक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, यानी ये इसका पर्पस जब पूरा हो रहा है तो मैं इसको यूज़ करूँगी. इसका मकसद है ना एक लिखना, सो लिखेंगे. और अगर ये अपना पर्पस पूरा नहीं करेगा, ये नहीं लिखेगा, तो मैं इसको क्या करूँगी, रद्दी की टोकरी में फेंक दूँगी. उसी के बाद ये देखें, मेरे पास ग्लासेस है. इसका क्या पर्पस है, अगर आपकी आई सेट वीक है तो इसका पर्पस है आपका वीजन जो है ना वो क्लियर हो. सो अगर आप लोगों का वीजन क्लियर होगा तो आपके लिए ये पर्पसफुल है, ठीक है? आपका मकसद पूरा हो रहा है. लेकिन अगर इससे ग्लासेस से आप लोगों को अच्छे से आपका दूर की चीज़ों पे फोकस नहीं हो रहा, आपकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ब्लर है, तो ये बेमकसद है, ठीक है? इसका कोई पर्पस नहीं है. इसको मैं क्या करूँगी, रद्दी की टोकरी में फेंक दूँगी. सो बेकार चीज़ों की जगह कहाँ होती है, रद्दी की टोकरी में. सो इसी तरह जो बेकार इंसान है उनके लिए भी अल्लाह ताला ने एक रद्दी की टोकरी तैयार की हुई है. सो अगर आप लोग अपना पर्पस जो है ना वो उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रद्दी की टोकरी जो है ना, बेमकसद इंसान है तो अल्लाह ताला आप लोगों को वहाँ रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है. सो आप लोगों ने अपने आप को बेमकसद नहीं बनाना, आप लोगों ने अपना मकसद फाइंड करना है और उसको आप लोगों ने करना है, ठीक है? यहाँ मैं एक कोटेशन आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लाइफ शुड बी लाइक आइसक्रीम, सो इन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट, ठीक है? सो लाइफ क्या है, एक आइसक्रीम के कप की तरह है जिसको आपने इंजॉय करना है उसके ख़त्म होने से पहले पहले. लेकिन ये जस्ट लाइफ है, इसमें और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें सेल्फलेसनेस आ जाती है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं. अब इसको मैं एक और तरीके से आप लोगों को बताती हूँ कि लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, सो लाइक अदर बिफोर यू मेल्ट, ठीक है? सो बेसिकली इसमें ये है कि दिए से दिया जलता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना मकसद पूरा करना है, ठीक है? आपका मकसद ये होना चाहिए रोशनी फैलाना. सो आप लोगों ने रोशनी फैलानी है, अपना मकसद पूरा करना है. अगर आप लोग रोशनी फैलाते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके मकसद को आपको कभी मरने नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि आपने एक रोशनी फैलाई है. सो आप लोगों का मकसद यही होना चाहिए कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी फैलानी है. आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है तो मोमबत्ती की तरह गुजारनी है, दिए की तरह गुजारनी है, जो बुझने से पहले दूसरों को रोशन करके जाते हैं, ठीक है? सो अगर आप लोग अपना मकसद पूरा करेंगे, रोशनी फैलाएंगे, तो अल्लाह सुबहाना व ताला आप लोगों की रोशनी को कभी बुझने नहीं देगा, आप लोगों को कभी मरने नहीं देगा.
सो आप लोग जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी भला कैसे बेमकसद हो सकती है, सिर्फ अपने मकसद को देखें कि आपका मकसद क्या है। आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, एक छोटी से छोटी जो है ना जानवर, छोटे से छोटा परिंदा जो है ना वो सब कुछ कर सकता है, तो आप तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। सो आपकी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है, इसको बामकसद बनाएं। ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।